स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं शाहिद नगर के आमुक्ता परिवार के छत्र छाया में। यह परिवार जो है आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं समाज में जितने भी दान है, फल दान, वस्त्र दान, सबसे उत्तम दान और सर्वोपरि दान माना जाता है रक्तदान को, क्योंकि यह दान दो व्यक्तियों के जीवन में ही नहीं, जिसको दान दिया जाता है उसे, उसके परिवार और उसे सबको बहुत ही ज़्यादा लाभ वांछित ये देता है। तो इसी के विषय में आइए हम अंदर प्रवेश करके चीज़ों को और स्पष्ट जान के आपको बताते हैं कि क्या है, कैसे है और इसका उद्देश्य क्या है। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। तो हमको ये बताइए अमुक्ता परिवार का ये ब्लड डोनेशन कैंप में आपको आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। तो आप ये कितना नंबर आप ये ब्लड डोनेट किए हैं? आज ये पहली बार है? फर्स्ट टाइम है। तो कैसा रहा आपका अनुभव, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए इसके बारे में। बहुत अच्छा लगा। आज कैसा लगा आपको ये रक्तदान शिविर में आकर के? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप ये क्या आपके जीवन का ये पहला रक्तदान है? नहीं, मैंने पहले भी 5 बार दे चुकी हूँ, ये 6th टाइम है जी। तो आप और तमाम उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो रक्तदान के नाम से दूर भागते हैं? नहीं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें भी आगे आना चाहिए और ब्लड डोनेशन करना चाहिए, है ना, क्योंकि उनको भी देखकर और कोई इनकरेज हो, तो इसीलिए मैं उनको यही कहना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रसाद। रक्तदान शिविर में आपको आने का कहाँ से जानकारी मिला? एक्चुअली जानकारी का बात तो नहीं है, ये अपना ही क्लब है गांव का ही, तो मेरा सीनियर अंकल लोग जो है यहाँ पर, तो उसने बोला था। एक्चुअली मैं तो ब्लड डोनेट करता ही हूँ, वैसे भी एवरी सिक्स मंथ के बाद मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, लेकिन आज अपना ही पहाड़ा पे हो रहा है, गांव पे हो रहा है, तो दैट्स वेरी नाइस। पहले जाता था ये आपका ताराई बैंक ब्लॉट पे, ठीक है, तो उधर में देता था, तो ये साल अपना ये क्लब में ही हो रहा है, तो खुशी लग रहा है यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। अगर मेरे ब्लड से किसी का जान बचता है तो दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि जान लेना बहुत मुश्किल, मतलब क्या बोलता है, एक तो जान लेना तो वो होता है, सबको जान मतलब लेना ही पड़ता है, लेकिन जान जिसको बचाता है ना वो सबसे बड़ा बात है। तो दैट इज़ द थिंग आई वुड लाइक टू डोनेट माई ब्लड, कैन सेव देयर लाइफ, सो दैट्स ऑल। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव सोसाइटी टुडे नाउअडेज, द गाइस हु आर रनिंग अवे व्हेनेवर वी आर टॉकिंग फॉर ब्लड डोनेशन, ओके, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू सो, व्हाट मैसेज एट द सेम टाइम यू वांट टू गिव देम? या आई वुड लाइक टू लाइक मोस्ट ऑफ द यू नो young thugs like most of the young people are like, you know, wasting their time like, you know, like taking drugs and all. Instead of doing that, I would like to suggest them to, you know, donate the blood to the people who are suffering from many kind of diseases like blood cancer, you know, and leprosy and all. So I would like to message them to donate the blood so they can, you know, through their blood they can save others' life. So I would like to message them, that's all. What's your name and designation? It's my name is Ankit Chhetri. And I'm a sales marketing manager over here. I work in tourism office, tours and travel, and I'm working in UPBC windows and door solution. I'm a sales marketing manager, that's all. Nice talking to you. Thank you so much. कैसा लगा आपको आज रक्तदान शिविर में आकर के? आपको कैसा फील हो रहा है आज रक्तदान शिविर में आकर के? मैं फर्स्ट टाइम जी, मेरा तो होता भी नहीं, एक्चुअली मेरा 9 मंथ का बेबी है, लेकिन बट मैं जिम भी करती हूँ, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा एक्साइटमेंट भी हूँ, फिर उसके बाद देना भी चाहिए, सब बोलते हैं कि देना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम करते हैं, और ये डोनेट तो अच्छा चीज़ है, सबको करना चाहिए, थोड़ा बहुत जिम का होता रहता है।
बड़ी बड़ी डिशें, छोटी छोटी बातें। क्या बात है, कितना जिंदा दिली बात आपने कहा। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलता है कि इस तरह का जोश, उमंग और समर्पण का भाव है आपका रक्तदान शिविर में आकर के रक्त देने? एक्चुअली कहाँ से आता है, वर्कआउट से आता है। मैं वर्कआउट करती हूँ तो सुबह जब उठना होता है तो कभी कभी आँख नहीं खुलता, तब भी मन में ऐसा लगता है उठ के जाना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रही, जो एक घंटा दे रही हूँ मैं अपने लिए दे रही, किसी और के लिए नहीं दे रही। इसीलिए सब कुछ आगे होना चाहिए, ये सब चीज़ में आगे होना चाहिए। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि वर्कआउट भी करो, सब काम भी करो, अच्छे अच्छे काम करो, किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करो, गलत चीज़ मत करो, उल्टा चीज़ सीधा चीज़ मत खाओ, वर्कआउट करो सबको, फिर ये सब काम में आगे। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज के उन लड़कियों को और उन लड़कों को भी जो रक्तदान देने से पीछे हटते हैं? अभी मैं उन लोगों को तो अभी ऐसे है ना कि क्लोज योर आईज, रिलैक्स, डरपोक बोलना चाहेंगे, जो डर जाते हैं पीछे हट जाते हैं, हिम्मत है, डर लगे है ना, डर लगे इन सब बहुत आज तो हेल्प हो रहा है। बहुत जन ऐसे खून की वजह से मतलब ऐसे बहुत डेड हो जाते हैं ना, चक्कर लग गया। तो इसके लिए सब लोग आगे आइए, बस पीछे मत आइए, एक ही जिंदगी है, उनके जियो, उनके दान करो, ऐसे है ना, सबको दान करो। इस आपका एक ब्लड डोनेट से किसी का दान कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? जिया कर्मा। अब तक इस शिविर में कितने रक्तदान जो हैं देने आ चुके हैं? अभी तक 18 हो चुका है। 18 जी। क्या नाम है आपका? प्रतिमा मित्र। वैसे हमको एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को, ये ब्लड जो दो दान देने आते हैं उनको क्या विशेष चीज़ का ध्यान देना चाहिए रक्तदान देने के बाद और देने के पहले? देने के बाद कुछ ऐसे किसी को नया जो देते हैं तो उनको किसी को चक्कर आ जाता है, तो इससे होता है क्या, जो ब्लड देने से पहले पानी पीना चाहिए, ब्लड देने के बाद भी जितना हो सके पानी पीजिए, खाना पीना उस दिन ठीक ठाक कीजिए, भारी सामान कुछ मत उठाइए हाथ से, यही सब देखना है, खाली एक दिन के लिए बस और कुछ नहीं। और कौन सा डिजीज़ का पेशेंट्स को इसमें वर्जित होना चाहिए, वो नहीं आकर के रक्तदान देवे तो अच्छा है? ये तो बहुत किस्म का होता है, उसके लिए अलग से स्क्रीनिंग भी किया जाता है, सबके लिए तो सब कुछ ठीक सही नहीं होता है। जैसे हार्ट पेशेंट हुआ, ये सब जो अचानक से मतलब कुछ ही दिन में किसी को ऑपरेशन वगैरह हुआ, फाइबर सर्जरी हुआ, वो लोग नहीं दे सकते। तो वैसे ज़्यादातर मेडिसिन जो लेते हैं वो दे ही देते हैं ब्लड, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रतिमा मित्र। अपना डेजिग्नेशन बताइए। मैं ब्लड बैंक में टेक्नीशियन। ये पहला बार या? हाँ हाँ, ये फर्स्ट बार, लाइफ का सबसे पहला ब्लड डोनेशन। क्या नाम है आपका? मेरा संजीता। कैसा लगा आपको रक्तदान शिविर में आगे? ये आपका क्या प्रथम है या पहले भी दिए हैं? सेकंड। क्या नाम है आपका? इस बार का रक्तदान शिविर आयोजन जो हुआ है इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए संक्षिप्त में कि क्या है और कैसे है, क्या इसका उद्देश्य? अमूक परिवार क्लब की तरफ से प्रत्येक साल ही हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, उसी तरह इस साल भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप को सफल बनाने के लिए हमारे क्लब के जितने भी मेम्बर हैं, विशेष करके हमारा नारी सदन का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग प्रत्येक घर घर में जा करके सभी को समझा कर बुझा करके रक्तदान देने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और ये रक्तदान अगर हम लोग देते हैं तो एक आदमी का जीवन दान मिलता है। ये सारा समझने के बाद में हम लोग के इलाका के जो भी है हिमालय शहीद नगर के बासिंदा लोग हैं वो हम लोग का बहुत ज़्यादा ही सहयोग कर रहे हैं, आने वाला दिन में और ज़्यादा हम लोगों को सहयोग मिलेगा, ये हम लोग आशा और कामना करते हैं। ये वास्तव में किसके यादों में आप लोग ये काम कर रहे हैं? ये हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, हम लोगों के अमृत परिवार क्लब के जो एक वरिष्ठ सदस्य थे मोहनता मुंजीव, उनके स्मृति में ये हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। अब तक कितने लोगों का सहयोग आपको मिल चुका है? अभी तक हम लोग 50+ ऑलरेडी हम लोग का ब्लड डोनेशन हो चुका है, और हम लोग का टारगेट है कि कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा हम लोग रक्तदान जुगाड़ करें। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार प्रसाद, मैं ब्लड डोनेशन कैंप का कन्वेनर है। तो हमें बताइए आज का ये आयोजन के विषय में।
सर्वप्रथम तो आज हम आमुख्य परिवार तत्वधान में हम आमुख्य परिवार वरिष्ठ सदस्य श्री स्वर्गीय मन तामाङ को स्मृति में हम ब्लड डोनेसन कैंप में गई करना गई रहेसरी हमें प्रत्येक साल ब्लड डोनेसन कैंप मेडिकल कैंप भी हम फ्री मेडिकल कैंप गई रहेसरी हमें ब्लड डोनेसन करने को उद्देश्य से भाई हम थुप्रै बिमारी विशेषकर ब्लड को आवश्यकता ब्लड नपाए मृत्यु भैर हई तो जो आवश्यक ब्लड को आवश्यक पूरण पूर्ति को लगी हम कैंप ब्लड सेंट कैंप रहा हमें ब्लड सेंट कैंप कर जति हम विशेषकर मेम्बर मेम्बर जी मेम्बर में हमें पैलो प्रतिनिधि छे रि हमें मेम्बर छोड़ा भी बाहर बड़ा जति सहयोग को लगी आम बड़े में रहाड़ विशेषकर थोड़े हम आपको मानी अब सिलगढ़ी में आमुख्य पड़े यहाँ ब्लड को लगी हमें आँच तेरा हम वहाँ जो ब्लड को आवश्यकता हमें अलसम सहयोग कर सकि तो हम गर्व को कुछ हो रहा आज भी हमें इसी भविष्य में ब्लड डोनेसन कैंप कर सब सब के लिए हमें सहयोग करने हमें आशा राखा छो। आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश भन्नाले हामीले जुन चाहिँ यसरी ब्लड सेल काम गरेको छौं र आज आमन्त्रित परेको धनमा जसरी ब्लड सेल काम भइरहेको छ अरु पनि जति पनि थुप्रो संस्था छ सिलगढीमा हाम्रो राज्यमा सबै सबैले नै यसरी ब्लड सेल काम गरेर यसरी काम हाम्रो ब्लड जोगाड गरे भनेदेखिलाई हामीले धेरै धेरै मान्छेहरुको मानिसहरुको ज्यान जोगाउन सक्छौं त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र त्यही हामी म त्यही अरु संस्थालाई पनि त्यही अर्जुन गर्छु र यसरी नै हामीले ब्लड सेल काम गरेर अरु को हमी ब्लड दिए कसरी जान बचाऊ ते हम उद्देश्य हो ते मेसेज दिन चाहूँ रज हम मोटामोटी विशेषकर 100 को हम ताक राखे रब 100 में जतिजना कैसे बीमारी कस हाई प्रेसर कस लो प्रेसर भाग अलसम को 50+ हम भाग हम मेन ताकेट 100+ हम ताकेट। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम मगरदास तामाङ हो रहा पड़े को सचिव। साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के फिर हम मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। जय हिंद।